हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड। आई एम सुनीता रावत, क्रिएटिव डिजाइनर एंड डीआईवाई स्पेशलिस्ट। ऑन माय चैनल यू कैन वॉच ऑल टाइप्स ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में बहुत ही सुंदर और यूजफुल होम डेकोर आइडिया शेयर करने वाली हूँ, और उसके लिए हमें इस टाइप की टिश्यू रोल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस तरह के कोई भी रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे घर में अक्सर इस तरह के रोल काफ़ी पड़े होते हैं। तो आपको टिश्यू रोल लेके उसके ऊपर हमें एक कोटिंग फेविकॉल की अप्लाई करनी है, और उसके बाद में हमें इसके ऊपर टिश्यू पेपर को स्टिक कर देना है। तो इसी तरह पूरे रोल को आपको टिश्यू पेपर से कवर कर लेना है, और कवर करने के लिए आपको फेविकॉल प्लस थोड़े से पानी का इस्तेमाल करके इसके ऊपर अप्लाई करना है। और अब एक राउंड कार्डबोर्ड का कट करके आपको इसके बॉटम पे स्टिक कर देना है इस तरह से। सो फ्रेंड्स, अब हमारा वाज रेडी हो गया है, और अब हम इसे डेकोरेट करने के लिए लेने वाले हैं पुट्टी। और यहाँ पे मैंने पुट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ 3 चम्मच, और उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीबन फेविकॉल, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे करीबन 1 चम्मच पानी। और उसके बाद आपको इन सभी को अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट रेडी करना है, और इसे टिश्यू पेपर के रोल के ऊपर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए आप किसी भी ब्रश का या हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसे हम वुडन टेक्सचर का इफेक्ट देने वाले, इसलिए आपको इस तरह से रफ ही इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसे स्मूथ नहीं करना है। और उसके बाद में आपको टूथपिक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से लाइनिंग क्रिएट करना है, या आप कोई भी पैटर्न भी बना सकते हैं इस तरह से। एंड फ्रेंड्स, आपको ये टेक्सचर पुट्टी के अप्लाई करने के तुरंत बाद ही बनाना है, क्योंकि पुट्टी एक बार सूख जाएगी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो बेटर देन आप थोड़ा सा गिल्ले में ही इस तरह से टेक्सचर पूरा बना लेंगे, और उसके बाद में इसे सूखने के लिए रख देना है हमें करीबन 6 से 7 घंटे के लिए, क्योंकि इसे टाइम लगता है सूखने के लिए। और प्रॉपर सूखने के बाद ही इसके ऊपर हम कलर को अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब ये पूरी तरह से सूख गया, और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर इफेक्ट आया है वुडन का। सो फ्रेंड्स, अब हम इस पर कलर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मैंने एक्रीलिक कलर लिया है ग्रे कलर का, और इस सबसे पहले आपको बेस पे ग्रे कलर को अप्लाई करना है, और ये पूरे रोल पे आपको अप्लाई कर लेना है अच्छी तरीके से। तो इस तरह से आपको अप्लाई करने के बाद में इसे सूखने देना। एंड फ्रेंड्स, जब बेस कलर सूख जाए उसके बाद में आपको इसके ऊपर गोल्डन कलर अप्लाई करना है, और ये भी मैं एक्रिलिक का गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से आपको पूरे वास पे गोल्डन कलर को अप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही सुंदर टेक्सचर इफेक्ट आ गया है। और फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर वॉर्निश अप्लाई करेंगे। वॉर्निश अप्लाई करने से बहुत ही अच्छी शाइन आती है, एंड प्लस इसमें मॉइस्चर लगने का भी टेंशन नहीं होता है। बट वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो आप ज़रूर अप्लाई करना है इस पर। तो यहाँ पे मैं पूरे वास पे अप्लाई कर लूँगी वॉर्निश, और इसी तरह फ्रेंड्स आपको 2 और छोटे बड़े साइजेस में इसे बना ले। और यहाँ पे मेरे पास में और 2 रोल्स थे जिसे मैंने इसी तरह के टेक्सचर का इफेक्ट दिया हुआ है। सो आप इसी तरह के छोटे बड़े साइजेस में इस तरह के वास को रेडी कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स आजकल बहुत ही ट्रेंडी है, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं बनने के बाद में। सो इस तरह से मैंने 3 रोल्स से इस तरह के वास रेडी किए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप घर के किसी भी कॉर्नर को इस तरह से रख के इसे डेकोर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो बाय एंड टेक केयर।